हसदेव बांध में कोयला खनन हेतु काटे जा रहे पेड़ों को लेकर आदिवासी समाज इन दिनों काफी आक्रोशित है और वे लगातार धरना प्रदर्शन रैली निकाल पेड़ों के काटे जाने का विरोध कर रहे हैं, जिसके लिए वे आज संध्या गरियाबंद में रैली निकाल प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। शासन प्रशासन के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की तथा प्रशासन को अल्टीमेटम देते हुए कहा, अगर इस पर रोक नहीं लगी तो वे आगामी दिनों सीधे हसदेव पहुंचकर उग्र आंदोलन करेंगे। लगभग एक सप्ताह पूर्व सर्व आदिवासी समाज ने शासन प्रशासन को अल्टीमेटम देते हुए कहा था कि अगर हसदेव के जंगल की कटाई नहीं रोकी गई तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। इसके लिए 5 जनवरी को गरियाबंद में धरना प्रदर्शन एवं रैली कलेक्ट्रेट पहुंचे, प्रदर्शन करने की बात कही थी। उसी के अनुरूप आज सर्व आदिवासी समाज ने देर संध्या रैली निकाल कलेक्ट्रेट पहुंचे, शासन प्रशासन के विरुद्ध जमकर नारेबाजी करते हुए एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा, जिसमें उन्होंने अपनी 7 सूत्रीय मांगों का उल्लेख करते हुए हसदेव में पेड़ कटाई को तत्काल बंद किया जाने की मांग करते हुए कहा कि चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए यह कार्य किया जा रहा है, यह गलत है। आदिवासी समाज जंगल के बिना जीवन कल्पना नहीं कर सकता, जिसके लिए विभिन्न तख्ती बैनर लिए रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे। आदिवासी विकास परिषद के नेतृत्व में एक दिवसीय धरना रैली का आयोजन यहाँ पे रखा गया था। हसदेव की अंधाधुन कटाई हो रही है, हसदेव जंगल की, और उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। इसको लेकर के आज हम लोगों ने मांग किया है कि तत्काल जो है हसदेव के जंगल को जो कटाई की जा रही है उसको बंद किया जाए, और आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और आश्वस्त किया है कि हम जो है इस ज्ञापन को आप लोग जो दिए हो उसको राज्य सरकार को भेजेंगे। ये मामला राज्य सरकार का बोल के बोले हैं। निश्चित तौर पर अगर आज किसी प्रकार की सकारात्मक कार्रवाई नहीं होती है तो आने वाले दिनों में यहाँ के समूचे गरियाबंद जिले वासी जो है रायपुर में जा करके और उसके बाद हसदेव में जा करके बड़े बृहद रूप से हम लोग आंदोलन करेंगे। आज आदिवासी समाज द्वारा गरियाबंद में जो हसदेव अरण्य क्षेत्र है वहाँ पर वनों की कटाई हो रही है, उस संबंध में इन्होंने ज्ञापन दिया है कि वहाँ पर वनों की रक्षा की जाए, जीव जंतुओं की रक्षा की जाए। क्या क्या है जिला प्रशासन को अवगत कराया गया इनके मांग के संबंध में, तो इसको शासन को अवगत करा देंगे और शेष कार्रवाई शासन स्तर से की जाएगी। कोला बंटन को उसको रद्द करवाने के लिए हम आदिवासी विकास परिषद जिला गरियाबंद के तत्वाधान में इसका घोर निंदा करते हैं, इसका पुरजोर विरोध करते हैं। वो उसका दोस्त अडानी अंबानी यहाँ से वापस जाए, नहीं तो हम लोगों के जन आंदोलन जिला मुख्यालय से प्रदेश तक के बहुत ही जोर शोर से उग्र आंदोलन होगी अगर ऐसा नहीं होती तो। दूसरा और एक हमारा मुद्दा है, जो राज्य सरकार ने अभी तत्काल में 3100 रुपया एक मुश्त देने की बात कही थी, और 2 साल की जो बोनस वाली बात हुई जिसमें 16-17 और 17-18 ये देने का था। जिस वर्ष हम लोग धान नहीं बेचे, जिस समय अकाल पड़ा उस वर्ष का धान का बोनस दिया गया जो नहीं की स्थिति में है, हम उसका मांग करते हैं। 17 और 18 की मांग है और 17-18 को छोड़ दिए हैं।